The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, aadab, sat sri akal, dosto, kaise hain aap? Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, थोड़े बहुत मोटे हैं अगर या थोड़ा बाहर का खाते हैं या ऐसे भी कई लोगों में आजकल फैटी लीवर देखने को मिल रहा है. फैटी लीवर इज नथिंग बट एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ फैट इन योर लिवर. इट्स नॉट डेंजरस बट अगर उसे कंटिन्यू रखें, जैसे आपका पेट का मोटापा सालों साल रखेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी पैदा हो जाती है. शुगर, बीपी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स पेट के मोटापे से होती है और लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस फैटी लिवर से लॉन्ग टर्म में होता है अगर वो फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बढ़ता जाए. तो इसीलिए फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से, ज्यादा मुश्किल नहीं है. कुछ चीजों में डाइट में फेर बदल करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल करेक्शन करनी है, दारू पीते हो दारू छोड़ क्या क्या करना है. 12 ऐसे आपको तरीके बताएंगे, फूड प्रोडक्ट्स बताएंगे जो आपको खाना चाहिए, छोड़ना चाहिए. वो पहले बता चुके हैं डाइट क्या नहीं लेना, क्या कम करना, क्या करना. ये पिछली बार हमने एक डाइट, लिवर डाइट बताई थी जो सीरियस डिजीज के लिए थी, यानी लिवर की खतरनाक बीमारियां है, लिवर फाइब्रोस हो चुका है, खराब हो चुका है, तब क्या ले. अब ये है जो माइल्ड डिजीज है, फैटी लिवर है, थोड़े मोटे हैं, तो आपको क्या क्या खाना खाना चाहिए जो लिवर को प्रोटेक्ट करेगा. सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज जो देखी गई है, जो लिटरली लिवर के एबनॉर्मल लिवर एंजाइम्स, जो SGOT-PT किसी का बढ़ जाता, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है सर क्या करूं क्या करूं, कई बार लोग उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं, जरूरत नहीं है. आई मीन लिवर के एंजाइम्स हल्के फुल्के 100 कारणों से बढ़ सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया है. बट द पॉइंट इज कि आप कुछ चीजें डाइट में बदलेंगे तो आराम हो जाएगा. आज उसी चीज के बारे में बात करेंगे. नंबर वन चीज जो आपको लेनी है वो है कॉफी. जी हाँ, कॉफी जो है वो अपने आप में लिवर के एंजाइम्स को नॉर्मल कर सकती है, लिवर के ऊपर जो डैमेज्ड लिवर होता उसको भी हेल्प करती है. और कॉफी इज लिवर प्रोटेक्टिव, कॉफी इज गुड फॉर यू. दिन भर में 2-3 बार आप कॉफी लें, 2 बार इज वेरी गुड. सेकेंड चीज जो लिटरली लिवर के ऊपर फैट डिपॉजिट्स कम करेंगे वो है आपके ग्रीन्स. ग्रीन्स मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स. आप सलाद में खाओ, हरी सब्जियां पका के खाओ, किसी भी प्रकार के ग्रीन वेजिटेबल खाओगे तो बेहतर है. वैसे ब्रोकली, स्पिनेज, ऐसे केल, ऐसे ग्रीन ग्रीन हरे कलर की सब्जियां ज्यादा अच्छी पाई गई हैं. इनके अंदर उसके एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और साथ ही ये लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन को भी कम करती है. थर्ड चीज जो देखी गई है लिवर के अंदर कम करते प्रॉब्लम को, फैट बिल्डअप को, वो है टोफू. जी हाँ, सोयाबीन, जिससे कई लोग डरते हैं कि फाइटो ईस्ट्रोजन है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना के बताया हुआ है. सो एक लिमिट उसकी है जितनी आप ले सकते हैं. टोफू इज अगेन मेड अप ऑफ, इज अ पनीर मेड अप ऑफ सोय, सोया मिल्क से बना हुआ पनीर, सोय प्रोटीन. इट्स वेरी वेरी गुड. इट इज रिड्यूस, इट रिड्यूसेस योर फैट बिल्डअप इन योर लिवर. और इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट भी हाई होता है और फैट कंटेंट लो होता है. फोर्थ चीज आप ले सकते हैं फिश. फिश इज गुड फॉर लिवर. ये इसके अंदर ओमेगा 3s होते हैं, दे आर गुड फैट्स. ये लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन भी कम करता है और साथ ही आपके बॉडी के अंदर टोटल इन्फ्लामेशन भी कम करेगा. देन ओट मील आप ले सकते हैं, होल ग्रेन फूड्स ले सकते हैं. ओट मील आपके वेट को मेंटेन करेगा, हाई फाइबर है तो पेट को मेंटेन करेगा, वेट और पेट, और साथ ही एनर्जी भी देगा. कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट? तो कार्ब्स लेने हैं, जीरो कार्ब नहीं रखना है. वॉलनट आर ऑल्सो गुड, वेरी गुड फॉर योर नट्स आर वेरी गुड विच हैव हाई ओमेगा 3. ओमेगा 3 बहुत अच्छा है और वो लिवर फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है. एवोकाडो ले, आपने फ्रूट का नाम सुना होगा, वो भी हाई फैट होता है, हेल्दी फैट होता है. उसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है, उसके अंदर फाइबर भी ज्यादा है, उसमें वेट कंट्रोल में भी मदद करता है और साथ ही उसका आप रेगुलर सेवन करें तो लिवर पे फर्क पड़ता है. बट अगर आपके चीज आपके एरिया में मिलता है तभी लिया, बार बार से मंगा के लेने का कुछ ज्यादा फायदा नहीं. बाकी बहुत सारी चीजें हैं वो खाइए. दूध और लो फैट डेयरी जो है, इट कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट योर लिवर फ्रॉम डैमेज. जी हाँ, डेयरी इज वे प्रोटीन में ज्यादा, डेयरी में वे प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में होता है, बढ़िया वाला. सो डेयरी
या वे प्रोटीन, दोनों ही आपके लिए अच्छा है। तो एक इसमें लिटरली स्टडी भी हुई है 2011 में कि वे प्रोटीन कैन प्रोटेक्ट योर लिवर फ्रॉम फर्दर डैमेज बिकॉज ऑफ फैट्स। एंड उसके अलावा सनफ्लावर सीड्स जो एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3 और विटामिन ई उनके अंदर अच्छा खासा है। ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं या इंडियन डाइट में हाई ओमेगा 3 वाले ऑयल्स जैसे मस्टर्ड ऑयल आप या मस्टर्ड के अलावा राइस ब्रान ऑयल या फिर कैनोला ऑयल, कैनोला ऑयल आप ले सकते हैं इंडियन डाइट के हिसाब से। ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। गार्लिक इज वेरी गुड फॉर लिवर, गार्लिक बहुत अच्छा है लिवर। गार्लिक खाने में ज्यादा डालिए, हर खाने में डालिए। हर्ब्स भी है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी है और काफी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। सेम ग्रीन टी भी देखा गया है जो कि लिटरली फैट एब्जॉर्प्शन को भी कम करेगा, मोटापा भी कम करता है, कैफीन भी है। तो ग्रीन टी के कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। ग्रीन टी इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी एज वेल एज फॉर योर लिवर। ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में डालिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गुड लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट। नहीं पता बैलेंस डाइट क्या है तो वीडियो देखो, मेरे चैनल पे है। इस चैनल को शेयर करिए, आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है और ताकि आप और आपके आसपास लोग फिट रहें। फिट लोगों को देखोगे, फिट होगे, दुनिया फिट रहेगी। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। व्हाट द हेल हैपेंड?